अब हमारे मज़ेदार कटलेट्स विद चीज़ रेडी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से ही होंगे। तो आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं वो है कटलेट्स विद चीज़। बहुत टेस्टी रेसिपी है, आप इसे ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं, इवनिंग में एज स्नैक यूज कर सकते हैं, टी टाइम के साथ एंजॉय करें और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आपको बताते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए आलू 3 अदद, मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड 1 बाउल, मैदा 1/2 बाउल, ब्रेड क्रम्स 1/2 बाउल, नमक 1 टीस्पून, पुदीना 1 स्मॉल बाउल, काली मिर्च 1 टीस्पून, धनिया 1 स्मॉल बाउल, चाट मसाला 1 टीस्पून, हरा प्याज 1 स्मॉल बाउल, 1 अदद अंडा, सफ़ेद मिर्च, पार्सले और ओरिगैनो। सबसे पहले तो हमने अपने 3 अदद आलू को बॉईल करना है 7 से 8 मिनट और उनको ग्रेट करना है। अब हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं और हमने इन्हें ग्रेट भी कर लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम चीज़ में ड्राइड ओरिगैनो और थोड़ा सा पार्सले ऐड करेंगे। ये इसलिए ऐड किए हैं कि इन दोनों हर्ब्स का टेस्ट चीज़ में बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों हर्ब्स ऐड करने के बाद आपने चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमारी चीज़ में हर्ब्स मिक्स हो चुकी, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अब हम अपने बॉयल ग्रेटेड पोटैटोज़ में बाकी सब चीज़ें ऐड करेंगे। धनिया 1/2 बाउल, पुदीना 1/2 बाउल, हरा प्याज 1/2 बाउल, नमक जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून। अब हम इन सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम अंडा फेंटेंगे क्योंकि हमें कटलेट्स को फ्राई करने के लिए इन सब की ज़रूरत है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम कटलेट्स विद चीज़ को फ्राई करने के लिए सबसे पहले पैन में ऑयल गरम करेंगे। सबसे पहले आपने इस तरह से अपने हैंड्स को ग्रीस करना है
और उसके बाद पोटैटोज़ को अपने हाथ में लेना और उसमें आपने चीज़ की फिलिंग करनी है। और इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। इसी तरह से आपने और टिक्कियां बना लेनी है। अब ये जो हमारा बैटर है इससे हम मैंने 4 कटलेट्स रेडी कर लिए हैं चीज़ की फिलिंग के साथ, और जो हमारा बाकी बैटर है इससे हमारी ऑलमोस्ट 8 to 10 कटलेट्स रेडी हो जाएंगे। अब हम अपने कटलेट्स को फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले हम अपने ब्रेड क्रम्स में ऑलमोस्ट 1 पिंच नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च ऐड करेंगे। सबसे पहले हम अपने कटलेट्स को इस तरह से मैदे में डिप करेंगे। फिर अंडे में डिप करेंगे। अब हम ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। अब हम इसे ऑयल में डालेंगे। हमारा घी गर्म हो चुका है। इसी तरह से हम 1 by 1 अपने कटलेट्स फ्राई करेंगे। अब हम अपनी कटलेट्स की साइड चेंज करेंगे। ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया था इसलिए ये जो फर्स्ट कटलेट है थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो गया। अब नेक्स्ट को लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। आपने कोशिश करनी है कि अपने कटलेट्स की साइड आप जल्द टर्न कर लें ताकि ये ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए। हमारे कटलेट्स विद चीज़ लाइट गोल्डन हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। अब हमारे मज़ेदार कटलेट्स विद चीज़ रेडी हैं। ले जी मज़ेदार कटलेट्स विद चीज़ रेडी हैं। देखने में बहुत मज़ेदार और यम्मी लग रहे हैं। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, मैं तो बस खाने लगा हूँ। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि हम मज़ीद आपके लिए किस किस्म की रेसिपी लेके आए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करें। खास तौर पर बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।